नमस्कार, मैं दिव्या। आज के इस रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। वैसे युवा जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरकारी नौकरी की चाह रख रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल दिल्ली अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा दिल्ली के जिला एवं सत्र न्यायालयों तथा परिवार न्यायालयों में कुल 990 पदों पर भर्ती की अधिसूचना निकाली गई है। यह भर्ती सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पदों पर की जा रही। आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 फरवरी 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट dssbonline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो उम्मीदवारों को इसके लिए 100 रुपए देने होंगे। आवेदन का भुगतान उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से ही करेंगे। हालांकि जो उम्मीदवार अपना संबंध SC ST वर्ग से रखते हैं या दिव्यांग है या पूर्व कर्मचारी है और महिला है, उन्हें आवेदन शुल्क में छूट दी गई है। आइए बात करते हैं इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की क्या पात्रता या शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। तो इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने स्नातक पूरी की हो, साथ ही कंप्यूटर टाइपिंग की गति न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड और 40 शब्द प्रति मिनट की कंप्यूटर टाइपिंग की गति होनी चाहिए। वहीं जो उम्मीदवार सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनकी न्यूनतम गति 110 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। आइए बात करते हैं इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो जो उम्मीदवार अपना संबंध अनारक्षित वर्ग से रखते हैं, उनकी अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। वहीं जो उम्मीदवार अपना संबंध आरक्षित वर्ग से रखते हैं, उन्हें आयु में केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक छूट दिए जाएंगे। बात करें उम्मीदवारों के सैलरी की, तो सभी उम्मीदवारों को उनके पद के अनुसार वेतन दिए जाएंगे। यदि इससे संबंधित अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप इसकी अधिसूचना को देख सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा। तो बता दें कि उम्मीदवारों का चयन 4 चरणों में होगा। इसमें सबसे पहले उम्मीदवारों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे चरण में उम्मीदवारों को इंग्लिश टेस्ट के लिए लिए जाएंगे। वहीं तीसरे चरण में कौशल परीक्षा और चौथे चरण में इंटरव्यू होगा। आइए बाकी में बात करते हैं इस भर्ती के लिए उम्मीदवार किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आप इसके अधिसूचना को एक बार जरूर पढ़ लें, उसके बाद इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आधिकारिक वेबसाइट की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। यहां आने के बाद आप सबसे पहले खुद को रजिस्टर्ड करें, उसके बाद इसके संबंधित लिंक पर जाएं। यहां पर क्लिक करके आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें। मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें, फिर अपने आवेदन को सबमिट कर दें। आपके आवेदन पूरे हो जाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।